गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के 9 बज रहे हैं और आते ही सारे से बेड पे लेटे और नींद आ गई। मम्मी को तो बहुत तेज नींद आ गई। मम्मी तो सेलिब्रेट करते करते ही सो गई थी। मम्मी इतनी नींद में थी, मम्मी ने तो अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं किया। बट कोई नहीं, अभी हम जा गए। मम्मी पापा ने तो ब्रश कर लिया। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊं। तो पापा अभी प्लान क्या है? घूमने घूमने में क्या प्लान है? कहाँ जाएंगे? सोनिया गाइस, आपने देखते हैं, अभी टाइमिंग नहीं पता कितने बजे क्या जाएंगे। गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और पापा, अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? गोल्डन टेंपल। गोल्डन टेंपल, ओके। तो सबसे पहले हम जाने वाले गोल्डन टेंपल, फिर उसके बाद जाएंगे हम जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद जाएंगे बाग बॉर्डर। ओके, लेट्स गो गाइस। अभी हम जाने वाले हैं दुर्गिना मंदिर, जो कि है हमारे होटल से 2.1 किलोमीटर दूर। और अभी हमारा 9 मिनट्स का रास्ता और बचा है। और ये जो दुर्गिना मंदिर है, ये है 1921 में बिल्ट हुआ था। और हम यहाँ पे नहाने का सरोवर भी है, जैसे गुरुद्वारा है वैसे यही है। और ये भी थोड़ा सा ऐसे सिमिलर का है। तो अभी हम जाके देखते हैं कैसा है ये। अंकल जी ट्रेनिंग देते हुए कैसे चलाना है कैसे नहीं, और यहाँ पे बैठेंगे अभी। और सोचो सोनू जी ने बहुत तेज से चला दी, तो ये लोग क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे। गाइस देखो, अब हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। गाइस सामने देखो कितना सुंदर नजारा है, और यहाँ देखो कैसे सरोवर है। ये देखो सरोवर पर, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सरोवर है। दोनों तरफ सरोवर और बीच में मंदिर है, और ये बिल्कुल मंदिर की तरह सुंदर बना हुआ है, एकदम गुरुद्वारे टेंपल जैसा ना। शायद से अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं बना पाऊंगी, बल्कि आप यहाँ से बाहर से ही दर्शन कर लो। मोनिका के अंदर दया बहन आ गई। नहीं नहीं, वो इसका ना वो दया बहन है। वो यार, दया बहन है।
ये जेठालाल जी दया जी को पकड़ते हुए, दया बहन को जेठालाल जी, ये ओह। अभी हम यहाँ के टमटम में बैठ गए हैं और अभी हम पार्किंग साइड जा रहे हैं, वहाँ से हम अपनी कार लेंगे और हम जाएंगे बाघा बॉर्डर और वहाँ पे 5 बजे परेड होगी तो वो देखना है हमें। तो अभी हम सब टमटम में बैठ गए हैं, अभी हम जाने वाले हैं बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर, हाँ बाघा बॉर्डर जाने वाले हैं। तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक बात बताओ, ये देखिए बाघा बॉर्डर जाने का रास्ता कितना अच्छा है, बॉर्डर की पार्किंग है और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे चेकिंग होगी। अभी हमने यहाँ पे पार्किंग लगा दी है और अभी हम जाते हैं, देखते हैं। मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, मैं अमृतसर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बाकी जैसे मेगा मार्ट ने मुझे बताया था वहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखते हैं कैसा है क्या है, मुझे भी पता नहीं ना किसी को यहाँ पे, और किसी को पता, पापा मम्मी को शायद पता होगा, बाकी सबको पता होगा, मुझे नहीं पता। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। गाइस ये देखो यहाँ पे लाइन कितनी लंबी लाइन है। Thank you.
सारा नजारा है, देखिए कितना
मौसम बना दिया ना गोल्डन टेम्पल को, हम आए थे कुछ अराउंड 8 इयर्स पहले, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब यहाँ बहुत अच्छा कुछ बन गया है, देखिए गाइस। ये देखो दीपक जी हमारे गुरुद्वारा जाते हुए और हल्की से स्माइल देते हुए, और मम्मी को कुछ याद आ गया है, वो लेने आएंगे अब। हम कितने अच्छे टाइम पे आए हैं, यहाँ पे देखिए समाप्ति हो रही है और हम ये मतलब लाइव देख रहे हैं, देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो गाइस हम बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। फाइनली अभी हम यहाँ होटल आ चुके हैं और आके ऐसे बंद सी हो रही, इतनी ज्यादा नींद आ रही है, अब फाइनली हम आ चुके हैं और यहाँ पे सब है बहुत ज्यादा, अभी रूम में बस जाके सो जाओ ऐसा हो रहा है, तो आके भी मैं चल दे रखा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ कल ही, अगर रात को कुछ अगर स्पेशल हुआ होगा मतलब कुछ बनाना होगा तो बना लूँगी, तो मैं कल मिलती हूँ। तो ओके गाइस बाय बाय।